हाँ तो भाई फाइनली दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और जनवरी का महीना आने वाला है, और ये नए साल के शुभ अवसर पे हमें बहुत ही ज़्यादा तगड़े तगड़े और फ्लैगशिप लेवल वाले स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारे फोन्स के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट फोन की बात की जाए तो भाई हमें यहाँ पे मोस्ट अवेटेड सीरीज, हाँ भाई रेडमी नोट 13 सीरीज इंडियन मार्केट में 4 जनवरी के दिन लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे 3 स्मार्टफोन रेडमी नोट 13 प्रो और 13 प्रो प्लस देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी स्पेक्स पर नजर डालें तो भाई देखिए, तीनों में हमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो प्रो प्लस वहां पे कॉर्ड एमोलेड होगा और दोनों में फ्लैट होने वाला है। 13 में हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 वाला प्रोसेसर, प्रो में यहां पर जेन 2 वाला प्रोसेसर, जो प्रो प्लस होगा वहां पे हमें 7200 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 5000 एमएएच की बैटरी, 33 वाट 67 वाट 120 वाट का चार्जर, 200 एमपी का ट्रिपल कैमरा, मतलब भाई सब कुछ एकदम तगड़ा होने वाला है। 13 की प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 16000 के आसपास, प्रो की बात करें तो लगभग 22 से 23000 के आसपास, और जो प्रो प्लस होगा वो लगभग 27 से 28000 हमें देखने को मिलने वाला है। हालांकि भाई ये जो सीरीज है बहुत ही ज्यादा कमाल और शानदार करने वाली, देखिए इसकी प्राइसिंग मैटर करती है, अगर ये अच्छी प्राइसिंग दे देंगे तो भाई ठीक है, तो भाई फिर 12 सीरीज की तरह आएंगे और चले जाएंगे। और अगर बात की जाए तो भाई और एक नई सीरीज आने वाली OnePlus 12 सीरीज, हाँ भाई ये सीरीज जो है इंडियन मार्केट में 22 जनवरी के दिन लॉन्च हो जाएगा, कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे 2 स्मार्टफोन OnePlus 12 और 12R देखने को मिलने वाले हैं, और देखिए 12 में होगा 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर, 12R में 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर, 12 में पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलने वाला है, 5000 mAh की बैटरी, 120 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट देखने को मिलेगा, अच्छा खासा UI और बिल्ड क्वालिटी डिजाइन शानदार देखने को मिलने वाली। और देखिए 12R में भी हमें यहाँ पे लगभग थोड़ा कैमरा में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। बात कीजिए प्राइसिंग के बारे में, देखिए OnePlus 12 जो लगभग हमें 60000 के आसपास, और जो 12R होगा वो लगभग हमें 45000 के आसपास देखने को मिलने वाला है। अगर बात कीजिए तो भाई एक और फ्लैगशिप सीरीज सैमसंग की S24 सीरीज इंडियन मार्केट में 17 जनवरी के दिन लॉन्च होने वाला है, सैमसंग इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। इस सीरीज में हमें 3 स्मार्टफोन S24, S24 प्लस और S24 अल्ट्रा देखने को मिलने वाले, तीनों हमें 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, One UI देखने को मिलेगा, अच्छा खासा बेहतरीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, तीनों में आपकी बार हमें जो फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हाँ भाई जो कर्व वाला ट्रेन था यहाँ से हटा दिया गया, तीनों हमें जो है एमोलेड फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, यहाँ पे 45 वोल्ट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, अच्छा खासा 200 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, सब कुछ हमें शानदार और फ्लैगशिप वाला देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग भी फ्लैगशिप वाली होगी, S24 लगभग इसकी प्राइसिंग 60000 के आसपास, और जो यहाँ पे प्लस होगा उसकी प्राइसिंग लगभग 90000, और जो अल्ट्रा वाला होगा वो लगभग 1,30,000 के आसपास हमें देखने को मिलने वाला है। और भाई एक और फ्लैगशिप सीरीज वीवो की X100 वाली सीरीज आने वाली है, जिसमें हमें 2 स्मार्टफोन X100 और X100 Pro देखने को मिलने वाले। अब देखिए इसकी स्पेक्स ज्यादा यहाँ पे पता नहीं चला है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों में हमें क्वाड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 वाला प्रोसेसर, कैमरा तो सुपर होने वाला है, एकदम शानदार कैमरा होगा, 5000 mAh की बैटरी, यहाँ पे 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, फन टच OS देखने को मिलेगा। बात कीजिए इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, तो यहाँ पे डेट रिवील नहीं किया गया, बट कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे टीज भी किया जा चुका है कि जनवरी के महीने में हमें ये लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। और आगे बात कीजिए तो IQ की तरफ से IQ Neo 9 Pro जो चाइना में 27 दिसंबर के दिन लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा, और इंडिया में जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के स्टार्टिंग तक हमें देखने को मिलने वाला है। और आपको पता ही Neo 7 Pro में एकदम तहलका मचा दिया है, 35000 के आसपास 8+ Gen वाला प्रोसेसर, बहुत ही ज्यादा शानदार स्मार्टफोन, तो इसका सक्सेसर आ रहा है, यहाँ पे बहुत ही तगड़े तगड़े यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलने वाले, ऐसा कहा जा रहा है 8 Gen 2 प्रोसेसर होगा, यहाँ पे हमें जो 1.5K रेजोल्यूशन के साथ में क्वाड एमोलेड डिस्प्ले होगा, अच्छा खासा यहाँ पे कैमरा सेटअप दिया जाएगा, 128 का फास्ट चार्जर, 5000 mAh की बैटरी और एंड्रॉइड 14 और फंटा चोएस देखने को मिलने वाला। अगर बात की तो भाई सबका प्यारा राज दुलारा नथिंग, हाँ भाई नथिंग की तरफ से एक फोन पकड़ा गया, Nothing Phone 2A, Nothing Phone 1 देखा, 2 देखा, 2A यहाँ पे बताया जा रहा है, इसकी प्राइसिंग अराउंड 30000 के आसपास होने वाली है। बात करें इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, ग्लोबल लॉन्च डेट के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि 27 फरवरी के दिन इसका लॉन्च इवेंट रखा जा सकता है। देखिए जनवरी के महीने में तो नहीं आएगा, फरवरी के महीने में आएगा, बट भाई सबका राज दुलारा है तो मैंने सोचा क्यों आपके साथ में शेयर किया जाए। यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 वाला प्रोसेसर है, हमें 3 लाइन की जो ग्लिफ इंटरफेस देखने को मिलेगा, अच्छा खासा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, अच्छी खासी बैटरी देखने को मिलेगी और एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। देखिए नथिंग के फोन बहुत लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसका UI जो है एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाता है, USP उसका बन चुका है, तो उसको भी नथिंग के फोन का एक्सपीरियंस करना है, उतना बजट नहीं है, तो 30000 के आसपास ही हमें फोन देखने को मिल जाएगा। और बात करें तो भाई होनर भी यहाँ पे जो इंडियन मार्केट में जनवरी के महीने में अपने 2 स्मार्टफोन Honor X8B और Honor X9B देखने को मिल सकता है, ये लॉन्च कर सकता है, इसकी प्राइसिंग लगभग 20000 के आसपास होगी, 20000 के अंदर ही होगी, बट मिनिमम 20000 रखी जाएगी। X9B की स्पेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर, 8 MP का ट्रिपल कैमरा, 5800 mAh की बैटरी, 35 वोल्ट का चार्जर, और ऐसी स्पेक्स हमें 8B की भी थोड़ी कुछ कम ज्यादा देखने को मिल जाएगी, और इसकी प्राइसिंग अराउंड 18 से 20000 के आसपास हमें देखने को मिलने वाला। अब इंडिया लॉन्च डेट कहीं रिवील नहीं किया गया, बट चांसेस है जनवरी के महीने में ये लॉन्च हो सकता है। तो ये सारे फोन्स या यू का ये सारी सीरीज
सीरीज वाले फोन हम इंडियन मार्केट में जनवरी के महीने में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले। जनवरी का महीना एकदम गर्मा गर्म रहने वाले, सारे फ्लैगशिप वाले स्मार्टफोन इस महीने में हमें देखने को मिल जाएंगे। हालांकि भाई आप कौन से फोन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? पर्सनली मैं तो भाई S24 Ultra और Redmi Note 13 Pro Plus ये दो फोन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप किसके लिए एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं सर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।